हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की पोयम द स्क्विरल को रीड करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पोयम का नाम और पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो पोयम का नाम है द स्क्विरल और पोएट का नाम है मिल्ड्रेड बोअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जैसे कि पोयम का नाम है द स्क्विरल, स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी। तो इस पोयम में हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि पोएट स्क्विरल को, गिलहरी को किस नजरिए से देखता है और स्क्विरल को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि पोएट ये कहना चाहता है कि स्क्विरल की जो टेल होती है, गिलहरी की जो पूंछ होती है, वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखती है, एक प्रश्न चिन्ह की तरह दिखती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्क्विरल की जो टेल है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रही है। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। यहां पर पोएट स्क्विरल की स्किन के बारे में बता रहा है। स्क्विरल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसने ग्रे कलर का ओवरकोट पहना हो। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। यहां पर स्क्विरल को ही कहा गया है स्टूडेंट्स, और यहां पर पोएट ये कहना चाहता है कि जब स्क्विरल नट को खाता है, यानी कि मूंगफली को खाता है, तो वो एकदम स्ट्रेट बैठकर, एकदम सीधा बैठकर मूंगफली को खाता है। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले। टीज का मतलब होता है छेड़ना, इरिटेट करना, यानी कि स्क्विरल को, गिलहरी को छेड़ना और खेलना अच्छा लगता है। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। और अगर हम पेड़ के चारों तरफ भागते हैं स्क्विरल के पीछे, तो स्क्विरल दूसरी तरफ भाग जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।